Hi friends, salam namaste, welcome back to the channel. This is Sangram, Singh. So today is Sunday 9th of Feb. अगर आपने मेरा last vlog देखा होगा जिसमें मैं night में vlog करने निकला, भुजी पाव खाने निकला और सब अगड़म तगड़म हो गया, सब गड़बड़ हो गया. गड़बड़ हो गई है, बहुत गड़बड़ हो गई है. मोटो व्लॉग का जो सेटअप था यहाँ से टूट गया. अभी मुझे संडे को थाने जाके होल्डर लेना पड़ेगा. आज का प्लान कुछ इस तरह का है, मैं जा रहा हूँ थाने में, ये दोनों होल्डर खरीदने हैं. अब मिलते हैं नहीं मिलते हैं कुछ आइडिया नहीं है. अभी तो व्लॉग के आगे में जाके पता चलेगा कि होल्डर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम गया था तभी तो नहीं मिला था. ये होने के बाद मैं आज आप लोगों को बताऊंगा मुंबई में बेस्ट एकदम बेस्ट और टेस्टी वड़ा पाव कहाँ पर मिलता है, और उसी के साथ साथ दो अलग अलग तरह की चटनियाँ प्यारी प्यारी. तो आप कभी भी उस तरफ जाओगे तो आप लुफ्त उठा सकते हो. इफ यू आर अ फूड लवर डू वॉच दिस व्लॉग टिल द एंड. अभी जाना है ठाणे, ठाणे में कुछ मीटिंग है वो खत्म वगैरह करनी है. 1 बजे तक 1:30 बजे तक मैं फ्री हूँ, फिर उसके बाद जाऊंगा. ये मोटो व्लॉग का जो होल्डर टूट गया वो देखते मिलते नहीं मिलता है, फिर उसके बाद जाएंगे वड़ा पाव के लिए और फिर आगे की कहानी आगे देखते हैं. लेट्स स्टार्ट द व्लॉग ऑन द काउंट ऑफ 1, 2, 3. Heading down Cali, driving round with my baby. Top drops and raindrops, motion got me all faded. My heart got me going all crazy, and I won't be walking away. तो फाइनली हम लोग पहुंच गए जहाँ पर आना था, सनशाइन ऑटो. और ये हमारे दिग्विजय, इनका भी एक चैनल है बॉलीवुड प्रेमी, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते हैं ये. बॉलीवुड की मूवीज आती है उनका रिव्यू वगैरह देते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूंगा, अगर आप चाहें तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं. एवरी फ्राइडे आते हैं लेकर एक्सक्लूसिव रिव्यू स्ट्रेट अवे फ्रॉम द आइकॉनिक थिएटर ऑफ मुंबई, दैट इज गेटी गैलेक्सी. डू चेक द चैनल बॉलीवुड प्रेमी. फाइनली जो लेने आए थे वो मिल गया, और अभी जाते हैं वड़ा पाव वाले के इधर. और जहाँ पर हम जा रहे हैं वड़ा पाव खाने, जहाँ पर मुंबई का बेस्ट वड़ा पाव मिलता है विद 2 चटनी, एक येलो चटनी और एक ग्रीन चटनी, राइट? मोस्टली तो उसको पिटला बोलते हैं, एंड द अदर चटनी दैट इज ठेचा. तो वो जगह का नाम है गजानन वड़ा पाव. ये दो जगह पर है, एक स्टेशन के वेस्ट में, एक स्टेशन के ईस्ट में. तो अभी जाते हैं और देखते हैं कि ये है क्या और क्या वहाँ का वड़ा पाव वर्थ इट है. कहा जाता है कि इट इज वन ऑफ द बेस्ट वड़ा पाव. यस, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वड़ा पाव. क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? नहीं किया? तो यहाँ है वर्ल्ड फेमस गजानन वड़ा पाव. जो लोग खाने के लिए दूर दूर से आते हैं, वो 20 साल हो गया इस जगह को और आज तक ये एकदम धनाधन चलती है. अभी हम भी खाएंगे एकदम प्यारा वड़ा पाव और भजिया, और हमारे साथ साथ आप भी आइए, थोड़ा लुत्फ उठाइए. तो कैसा लग रहा है दिग्विजय जी आपको? अरे सुपर, मतलब जब भी मैं आता हूँ थाने तो गजानन का वड़ा पाव भी मिस. गजानन का वड़ा पाव मिस हो गया थाने, तो ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ मिसिंग. और मनमोहन जी, आपका क्या रिव्यू है वड़ा पाव को लेकर? तो ये हमारे ग्रुप के एमी में बनता ही है. हाय मनमोहन भाई. ये एक्चुअली सबसे खाने के ज्यादा शौकीन है. चटनी की बहुत तारीफ हो रही है. ये ब्लॉगिंग के चक्कर में ये वड़ा पाव या तो ठंडा हो जाएगा या तो ये जो हमारे दोस्त लोग है ये लोग वड़ा पाव गायब कर देंगे, क्योंकि आप लोग को तो पता है हर एक दोस्त कमीना होता है. तो हम साथियों में से ये दो साथी जा रहे हैं, मनमोहन भाई हमारे ग्रुप के एमईओ बैठा है, अशमत जंगली बॉय, और ये भाई अपने रहते हैं खारघर, ये बेलापुर एरोली. फाइनली सारी जगह घूमने के बाद आगे हम हमारी अपनी जगह पर जहाँ पर हम रहते हैं घनसोली में. अब बहुत ज़्यादा प्यास लगी है यार, अभी जाते गन्ने का जूस पीते हैं और एटीएम से पैसा भी निकालना है, क्योंकि ये महीने हालत इतनी तंग हो गई है ना, इतनी तंग हो गई है. साल के स्टार्टिंग में जैन में इतना खतरनाक खर्चा हुआ मेरा, इतना खतरनाक खर्चा कि जो थोड़ी बहुत सेविंग की थी उसमें से भी पैसे चले गए. और अभी अगले महीने गाँव भी जाना है, फिलहाल तो जाते हैं जूस पीते, एटीएम से पैसे निकालते हैं. एक गन्ने का जूस दीजिए ना दोस्त, एक बिना बर्फ का. फाइनली घर पे पहुंच गए हम, और अभी जो सामान हम लोगों ने लाया है मोटो व्लॉग का उसे लगाकर देखते हैं. ये हमारी सब बच्चा पार्टी ऊपर ही है, और ये हमका बिल्ला.
सबसे प्यारा बिल्ला है। क्या नाम है इसका? ये इसका नाम जैमू है, छिटकू भी है। जैमू और छिटकू। इस बिल्ले का कोई नाम नहीं रखा है अभी तक, इसको कुछ भी बुलाते हैं बच्चे लोग, जैमू, छिटकू, रैम्बो, टैम्बो, रॉकी, शॉकी, तो कुछ ऐसा दिखेगा ये सेटअप। फिलहाल इसको निकाल देते हैं, यही ये व्लॉग समाप्त करते हैं क्योंकि जो काम करना था वो काम तो हो गया। अंजलि इधर आ जाओ, बाय बाय, टेक केयर। एक बात हमेशा याद रखने का, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। बाय बाय, टेक केयर। नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, नीचे जो लाल बटन दबाओ, सब्सक्राइब हो जाओ। हम ऐसे प्यारे प्यारे अच्छे व्लॉग्स बनाते रहते, आपको एंटरटेन करते रहते हैं। और हाँ, बेल आइकन तो जरूर दबाना, अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो बेल आइकन नहीं दबाओ, बेल आइकन पे जाओ, क्लिक करो, वहाँ पर ऑल आएगा, उसे सिलेक्ट करो। तो बाय बाय, टेक केयर वंस अगेन, टेंशन नहीं लेने का, फुल ऑन लाइफ जीने का। बाय बाय, बोला बोला बोला, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। बाय बाय दोस्तों। तो ये हमारी छोटी सी प्यारी सी व्लॉगर अंजलि अर्जुन सिंह, मोटो व्लॉगर अंजलि अर्जुन सिंह। आप भी चलाओगे बाइक? हाँ चलाओगे, हम भी बाइक में फुल फोर व्हीलर कार चलाएंगे। हेलमेट पहन के? नहीं, ऐसे ही। और खुशी जी आप क्या चलाओगे? गाड़ी। जस्ट लुक एट अ क्यूटी क्यूटी फेस। अरे अरे बच्चा लोग, छोटी गाड़ी चलाऊंगा, छोटी गाड़ी। वो बिल्ला किधर गया? बिल्ला कहीं तो सो गया होगा, वो बिल्ला यहीं पर सोया रहता है दिन भर। बाय बाय, बाय बाय करो, बाय बाय, बाय बाय।